ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माँ गंगा के विषय में है। मुझे लगता है कि पूरे देश भर के लोगों की आस्था और पूरी दुनिया में हिंदुओं की आस्था जो है माँ गंगा के साथ जुड़ी हुई है। और हमें मालूम पड़ा कि भाजपा ने उत्तराखंड के अंदर जो पूरा चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस की हार हुई और भाजपा की जीत हुई, वो इस चीज पे लड़ा था कि कांग्रेस की सरकार ने हर की पौड़ी पे जो माँ गंगा बहती है उसका नाम बदल के स्केप चैनल उसका नाम उन्होंने बदल के कर दिया था। उसके कुछ तकनीकी कारण थे। और पूरे चुनाव में भाजपा घूम घूम के हरिद्वार आसपास पूरे उत्तराखंड के अंदर ये बात चली कि इन्होंने माँ गंगा का अपमान कर दिया, हिंदुओं का अपमान कर दिया, आस्था को नीलाम कर दिया। और मुझे लगता है कि बिल्कुल किया इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया। हर वो हिंदू जो माँ गंगा के दर्शन करने हरिद्वार गया होगा उसको मालूम है कि वहां पे सबसे पहली और सबसे मुख्य जगह है, वो है हर की पौड़ी। हर मतलब हरि, हरि मतलब भगवान नारायण, नारायण भगवान के चरण हर की पौड़ी। और जो बात कही जाती है वो ये है कि जब समुद्र मंथन करके अमृत निकला, अमृत के ऊपर झगड़ा बढ़ा, तो भगवान विश्वकर्मा जब अमृत को ले जा रहे थे तो उसकी बूंदें जहां जहां उस अमृत की गिरी वो हिंदुओं के तीर्थ स्थान बने, हमारे पवित्र स्थान बने। और हर की पौड़ी वो जगह है और उसकी मान्यता जो है, माँ गंगा नदी के दर्शन के लिए अगर आप किसी स्थान पे जाते हैं तो सबसे बड़ी मान्यता हर की पौड़ी की है। भाजपा ने पूरा चुनाव उत्तराखंड पे इस बात पे लड़ा कि कांग्रेस की सरकार ने हर की पौड़ी का नाम बदल के एस्केप चैनल कर दिया और हम इसको वापस माँ गंगा कहेंगे। और भाजपा की सरकार को अब 3.5 साल हो गए, अभी तक वो नाम नहीं बदला गया। हमारे पार्टी के कुछ लोगों ने वहां पे एक IVR सर्वे कराया उत्तराखंड में कि लोग क्या चाहते हैं, और मुझे बताया गया कि 99% लोग चाहते हैं कि उसका नाम कोई धारा या कैनाल या चैनल ना रख के माँ गंगा का नाम माँ गंगा ही रहे हर की पौड़ी पे। तो उस IVR को चलाने की वजह से उत्तराखंड की सरकार ने ये नोटिस जो है हमारी पार्टी के प्रभारी और वहां के पार्टी के अध्यक्ष को ये नोटिस दे दिया कि आपने ये IVR क्यों चलाया और कैसे चलाया। और इसके अंदर उन्होंने बात कही है कि हमने स्केप चैनल का नाम बदलकर कैबिनेट के अंदर ये पास किया है, अभी कानून नहीं बनाया, कैबिनेट के अंदर नाम रखा है कि इसका नाम बदलकर देवधारा कर देंगे। क्या गंगा नाम के अंदर कोई दिक्कत है? माँ गंगा का नाम कम पवित्र है? जो पहले कांग्रेस ने उसको स्केप चैनल किया और अब ये कह रहे हैं कि हम इसको देवधारा कर देंगे, किया नहीं। हम ये मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, आपका नाम त्रिवेंद्र है, हम भी आपका नाम देवेंद्र कर दें? आपका नाम भी बदल देते? माँ गंगा का नाम भी कहीं बदला जाता है क्या? और जिस पे आपने पूरा चुनाव लड़ा उसको आप उस मुद्दे को धोखा दे रहे हैं। तो हमारी त्रिवेंद्र सरकार से, उत्तराखंड में भाजपा सरकार से मांग है कि जिस वादे पे उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और जो वहां की 90% से ज्यादा जनता चाहती है, माँ गंगा हर की पौड़ी के ऊपर माँ गंगा का नाम जो है वापस जो है माँ गंगा करना चाहिए, सरकारी आदेश से करना चाहिए। नितिन त्यागी जी अपनी बात जो है वो नमस्कार साथियों, एक
बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है कि किसी भी वजह से, एक तो नाम किसी भी धार्मिक स्थल का बदलने की कोशिश किस वजह से की जाए, और माँ गंगा का नाम पहले तो उसके ऊपर राजनीति करो, और राजनीति करने के बाद में अपना कोई वादा भी रखें और धर्म के ठेकेदार भी बने, और उसके बाद ऐसा कहना कि माँ गंगा ने तो बुलाया है, माँ गंगा पे तो आजकल कॉपीराइट बना रखा है, उसके बाद भी माँ गंगा का नाम अगर हटा के कोई और ही नाम रखना है, तो इससे बुरी राजनीति, इससे बुरा स्तर कोई और नहीं हो सकता, इससे बुरा धोखा अपनी जनता को, अपने धर्म को, मेरे को नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में माँ गंगा का जो महत्व है, गंगा शब्द का जो महत्व है, वो बहुत बड़ा है। अपनी माँ के हम लोग माँ से तुलना करते हैं, देवी से तुलना करते हैं, और देवी मानते हैं, माँ मानते हैं गंगा को, वहां पे देव धारा कर देना, उनका स्केप कैनाल कर देना, सबकी अपनी ब्रांड की राजनीति है, इसको नहीं होना चाहिए, और जिसने किया है उसको दंड उसी हिसाब से मिलना चाहिए, उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि इस तरीके का मजाक कम से कम अपने धर्म के साथ में नहीं हो सकता। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? थैंक यू।